अब आते हैं मौखिक प्रश्न उत्तर। नंबर वन है, पोंगल का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? पोंगल का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? नई फसलों के तैयार हो जाने की खुशी में पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। नंबर टू, भगवान सूर्य को क्या अर्पित किया जाता है? पता है आप लोगों को, भगवान सूर्य को चावल, गुड़, दूध से बनी खीर अर्पित की जाती है। अब आते हैं लिखित प्रश्न उत्तर। नंबर वन है, भारत में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं। आप लोगों को उत्तर में लिखा हुआ है सब। नंबर टू, पोंगल विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? पोंगल विशेष रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। नंबर थ्री, पोंगल किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया था आप लोगों को, पोंगल चावल, गुड़, दूध से बनी खीर को हम पोंगल कहते हैं। नंबर फोर, लास्ट, इस त्यौहार में पशुओं को क्यों सजाया जाता है? इस त्यौहार में पशुओं को इसलिए सजाया जाता है क्योंकि पशु कृषि के कार्य में हमारी सहायता करते हैं। आज का हमारा पार्ट दो पूरा कंप्लीट हो गया है, तो आप लोग अच्छे से लर्न कर लेना और लिख लेना।